हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप? हो जाइए तैयार इन 5 डरावनी वीडियोस के हाथों अपना चैन गवाने के लिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अर्जेंटीना में एक रात अपनी ड्यूटी के दौरान किसी स्कूल में दो सिक्योरिटी गार्ड्स को अजीब नॉइसेस, मानो कोई टेबल कुर्सियां घसीट रहा हो, और बच्चों के बातें करने की आवाजें डिफरेंट क्लासरूम्स में से सुनाई दी। पहले तो कैमरे में दिख रहा गार्ड रिकॉर्डर पर विश्वास नहीं कर रहा था, लेकिन इवेंचुअली वे उसके साथ चेक करने आ गया और फिर जो उन दोनों ने वहां कैप्चर किया वो काफी ज्यादा ईरी था। Si no vamos después, padre, si Servino va a sacar el cuero, boludo. Vamos, vamos a ver qué onda, un toque. Vamos, vamos. Un toque, boludo, dale. ¿Qué onda, boludo? Hace un frío acá. Sí, boludo, hace un refrío. Pero acá parece que hace más frío, porque dice cuando, cuando hace frío que es por algo, digamos. ¿Dónde escuchas, boludo? Hace ruido en toda la escuela. Pero sí, boludo, ¿no escuchaste? ¿Me escuchás? ¿La cuchara? Ah, pues sí. Ah, hay como una cortina ahí. Sí. ¿Dónde escuchaste, boludo? Sí, boludo, para mí que por allá. O ahí, no sé. ¿Dónde, boludo? Por acá era. ¡No, boludo! ¿Viste eso, boludo? ¿Viste eso? ¡Ah, boludo! ¡Aguantá, boludo! ¡Aguantá! ¡Aguantá! बंद पड़े स्कूल में छोटे बच्चों की आवाजें गूंज रही थीं, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स को तो वहां कुछ नहीं दिखता। हालांकि जैसे ही कैमरा होल्डर थोड़ा आगे बढ़कर अपनी बाईं तरफ की क्लास में घूमता है तो पहले से ही डिस्प्लेस्ड एक कुर्सी और ज्यादा मूव कर जाती है और वे दोनों ही हड़बड़ाते हुए वहां से दौड़ जाते हैं। काफी महीने पहले हमने बात करी थी टिकटॉक यूजर विन एमसी पिक्स की, जहां उनके घर में पोल्टरगाइस्ट एक्टिविटीज बेहद ही एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच चुकी थीं। लेकिन अब ऐसा प्रतीत होता है कि इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल वो अनदेखी ताकत फाइनली अपना असली रूप जाहिर करने वाली है। It's okay. Okay, y'all say I'm cutting, so I'm gonna go nice and slow here. Behind there, there's no way somebody slipped out right there. My back's against the wall. There's nothing in the closet. No feet, no nothing. Holy crap. Nope. Not tonight. एक काली आकृति बाथरूम की दाहिनी तरफ से निकलती है और फिर किसी दरवाजे के जोरदार खुलने की आवाज क्लोजेट रूम से आती है। लेकिन जैसे ही रिकॉर्डर जल्दी से वहां देखने पहुंचते हैं तो वह जगह उन्हें बिल्कुल खाली मिलती है। हालांकि उनके वापस बेड पर लेटते ही वही सेम डार्क सिल्वेट दोबारा उसी जगह आ जाती है और लाइट के ऑन होते ही बीच हवा में ही कहीं गायब हो जाती है। तो क्या ये इंटेंस पोल्टरगाइस्ट एक्टिविटीज के साथ साथ एक असली भूत का सबूत है? अपना फैसला नीचे कॉमेंट करना मत भूलिएगा। मैक्सिकन गोस्ट हंटिंग टीम टेरर एल एक्सट्रीमो से लुइस अपने दोस्त ओदीन के साथ ला कापिया हेलिस्को स्थित एक अबैंडन्ड रुइन में इन्वेस्टिगेशन करने आए हुए हैं। लोकल्स दावा करते हैं कि ये खंडहर इमारत किसी समय शहर का सबसे प्रचलित चर्च था, जो आज शैतानी रिचुअल्स और काले जादू के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
दोनों गोस्ट हंटर्स जैसे ही जांच पड़ताल शुरू करते हैं तो एक अनआइडेंटिफाइड एंटिटी उन पर नजर रखती हुई दिखाई देती है। Buenas noches. Buenas noches. सामने के हॉल में जलती हुई आग एकदम से बंद हो जाती है और फिर एक फिगर चंद सेकंड्स के लिए खिड़की पर नजर आती है। लेकिन जैसे ही वे दोनों उसी डायरेक्शन में अंदर देखने जाते हैं तो वहां किसी का भी नामो निशान नहीं होता। Mira. Odín, ¿lo agarraste? Lo agarró en la mitad, ahí, en el árbol. En el árbol subió. ¿Sí viste, Odín? ¿Sí lo agarraste en cámara? Sí, agarré en la mitad. Pero no inventes, ¿sí lo viste, Odín, cómo voló? Ah, no manches, mira. Sí, lo estoy viendo, está arriba. Ya se desapareció, hermano. No inventes. वैसे ही डार्क फिगर तीन दफा फिर नजर आती है, पहले बाहर, फिर खिड़की पर, और जब तीसरी बार वे उसे छत पे खड़ा देखते हैं तो दोनों दौड़कर ऊपर हर एक सेक्शन को चेक करने पहुंच जाते हैं, लेकिन हमेशा की तरह उन्हें अंधेरे में कोई या कुछ भी नहीं मिलता। हालांकि सबसे खौफनाक चीज जो उन्हें यहाँ से निकलने पर मजबूर कर देती है, अभी तो घटनी बाकी थी। Aguántame. ¿Ya está? Espérame, ya está, ¿eh? Yo te estoy grabando, ya estoy. Ahí está. Listo. ¡Ah, Luis! ¡Vamos, Luis! ¡Odín! ¿Estás bien, carajo? ¡Ah, no! ¿Qué pasó, güey? No sé, güey, algo me jaló, cabrón. कोई पूरी ताकत के साथ ओदीन को वायलेंटली घसीटते हुए झाड़ियों में ले जाता है और फिर दर्जन फीट आगे छोड़ देता है। दोनों आखिरकार वहां से चुपचाप लौट जाने का तय करते हैं। तो क्या ये अबैंडन्ड रुअन इन्हीं भूतहा एंटिटीज द्वारा प्रतिबाधित है या महज मिलकर किया गया एक मजाक? मुझे अपनी राय नीचे बताइएगा जरूर। कर्स्ड वीडियो सबरेडिट पर पोस्टेड ये क्लिप, जिसे कुछ दोस्तों द्वारा जापानी शहर ताकायामा में एक अबैंडन्ड घर में फिल्माया गया था, कथित तौर पर श्रापित मानी जाती है और कहा जाता है कि डिफरेंट रूम्स में रखी गैशा डॉल्स ही यहां की बर्बादी की असल वजह हैं। वीडियो में दिख रहे लोग जब घर के प्रार्थना कक्ष में मौजूद थे तो उनके साथ नामालूम गतिविधियों की एक सीरीज सी शुरू हो जाती है। これねさっきのやつ綺麗じゃない。いや全然さっきの気持ち悪いから。これそんな気持ち悪くないでしょ。気持ち悪い。嫌なの見なくね。そんなだってさ。ジューズ？だいぶ。ジューズだね。ああやっぱこれ誰か死んでんだよ。あったじゃん。あったじゃん家もあったじゃん。えこの家の人はってこと？この家の人もでしょ。何？なんだよ。どうした急に？え？人形からえなんもないじゃん何
किसी के दो बेरंग से पैर और एक रहस्यमय व्यक्ति का पेल चेहरा कैमरे की तरफ झांक रहा है, जो यकीनन रिकॉर्डर को काफी चौंका देता है और वीडियो अब्रप्टली बंद हो जाती है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर क्रिसेल लूना को अनूठा मौका मिला मेक्सिको स्थित एक बहुत पुराने स्कूल को इन्वेस्टिगेट करने का, जो कहा जाता है कि बहुत ही ज्यादा भूत रहा है। अब हम जितनी भी भूतिया लोकेशंस की यहाँ बात करते हैं, वो काफी महीनों, सालों या दशकों से अबैंडन होती है, लेकिन ये स्कूल आज भी इस्तेमाल किया जाता है। इनफैक्ट इसे सिर्फ दुनिया भर में चल रही महामारी के कारण ही टेम्पररली बंद किया गया था। क्रिसेल स्कूल में पहुंचते ही वहां सालों से काम कर रही क्लीनर और केयर टेकर इजाबेल से मिलती हैं, जिन्होंने इसके गलियारों में अजीब साए और पूरी इमारत में अनएक्सप्लेन्ड आवाजें सुनने का दावा किया है। वे बताती हैं कि स्कूल को मखानिया नामक एक टीचर ने स्थापित किया था, जिनकी मौत स्कूल के ही किसी क्लासरूम में हो गई थी। स्थानीय लोग अक्सर उसकी आत्मा को स्कूल प्रेमिसिस में शाम तकरीबन 5 बजे देखने का दावा करते हैं, और कहा जाता है कि वे गुस्से में कई बार कुर्सियों को उठाकर जमीन पर पटक देता है। क्रिसेल अपनी दोस्त मेलिसा के साथ उस क्लासरूम में इन्वेस्टिगेशन शुरू करती हैं, जहां टीचर मखानिया ने कहा जाता है कि अपनी जान गंवाई थी। अब जब क्रिसेल आत्मा को अपनी मौजूदगी दर्ज करवाने के लिए कहती हैं, तो पल भर में चीजें एक खौफनाक मोड़ ले लेती हैं। Y con todo respeto, a mí me gustaría pedirle, de verdad, con todo respeto a su energía, por todo lo que se dice, porque se dice que él habita aquí, porque se dice que todavía lo ven aquí, que todavía él avienta cosas con mucho enojo, como nos contaba la señora Isabel, ¿por qué no lo sabemos? Pero sí, de verdad, a mí me gustaría pedir algo, una manifestación de su energía. Si es que él estuviera aquí, de verdad, sé que estoy jugando tal vez con fuego, pero nadie entra aquí de noche y yo estoy haciéndolo hoy porque quiero saber. Ay, ahí se escucha algo. Ay, ¿qué fue? Se está escuchando algo. ¿Lo viste, Melissa? No, algo se está moviendo. Pero muy leve. Ah, no manches, es este mesabanco. Ay, no. Se está moviendo, ven. ¿Este fue el que se movió? Sí. Híjole. सामने पड़ा एक डेस्क अचानक से अपने आप हिलने लगता है। तो क्या हो सकता है कि इसे टीचर मखानिया ने ही हिलाया हो, जो मे बी इसे उठाकर फेंकना चाहता हो? आप खुद ही तय करते रहना, वीडियो अभी बाकी है। जो भी हो, हलचल बिल्कुल हल्की थी, और इस डरावने एक्सपीरियंस के बाद वे एक दूसरी क्लास में जांच के लिए चली जाती हैं, जहां कहा जाता है कि कुछ फॉर्मर स्टूडेंट्स की प्रेत आत्माएं वास करती हैं, और ऐसा करना उनके लिए ठीक नहीं रहता। Puedo sentir mucho más frío, de verdad se los digo, mucho más frío que en el otro salón, que es donde murió el profesor. Se siente helado y no sé por qué, muchísimo más baja la temperatura aquí. Y ¿sabes qué pienso, Melissa? De verdad, es como si aquí hubiera niños, no sé, el alma de un niño o de varios niños, porque tal vez uno de ellos o varios que vinieron, porque es una escuela muy vieja, ya perdieron la vida. Y puede ser también que ellos vengan aquí por... ¡Ay! ¡Se movió! ¡Se movió este libro! ¡Ay, no manches! एक स्कूल बुक खुद ब खुद हिल जाती है, जिससे वे थोड़ी सहम जाती हैं, लेकिन बावजूद इसके वे अपनी इन्वेस्टिगेशन नहीं रोकती, और जब उन्हें स्कूल लाइब्रेरी मिलती है तो तोहफे के रूप में कुछ और भी मिल जाता है। Vamos a entrar. Este parece que es como una biblioteca. ¿Será, Meli? ¿Una biblioteca? Parece ser una biblioteca. Vean cómo hay poquitos libros. Tampoco son muchos, estamos hablando. Ahí hay algunos más que están arrumbados. Pero es una escuela. Miren, ahí se ve la luz prendida de la oficina que les decía, justamente a la que no podemos pasar, ¿no? Pero vamos a... ¡Se vio algo! ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡A ver, no podemos salir por aquí! A ver, no se puede. A ver, espérate, corre. ¡Ay! ¡Híjole, de verdad! No, yo no puedo. Alguien está aquí.
Ay, no sé. Dios mío, Dios mío, Dios mío. क्रिसेल और मेलिसा अंदर तक कांप उठती हैं जब उन्हें लाइब्रेरी के बाहर एक डार्क फिगर चलती हुई नजर आती है, मगर गलियारे में नजर मारते ही वहां कोई नहीं होता। ये रहस्यमय काला साया हवा में ही कहीं गायब हो चुका है। तो क्या ये स्कूल टीचर मखानिया और कुछ फॉर्मर स्टूडेंट्स द्वारा मिलकर हॉन्ट किया जाता है? आप मुझे बताएं, आप क्या सोचते हैं? सुलावेसी में एक इंडोनेशियाई फैमिली जब अपने लिए नए घर की तलाश कर रही थी तो वे एक ऐसी प्रॉपर्टी पर पहुंची जिसकी कीमत आसपास के सभी घरों से काफी कम थी। इस बात से अधिक खुश वे घर को बाकी परिजनों को दिखाने के लिए फिल्माने लगते हैं, मगर इसी दौरान उसमें कुछ ऐसा कैद हो जाता है जिससे वे प्रॉपर्टी ना खरीदने का फैसला करते हैं। एक गहरी काली सिल्वेट की रिफ्लेक्शन कमरे के शीशे में चलती हुई दिखाई देती है। रिकॉर्डर ने दावा किया कि उस समय उनके अलावा रूम में कोई और नहीं था और ना ही ये उनकी खुद की रिफ्लेक्शन है, क्योंकि वे बिल्कुल स्थिर खड़े थे जबकि ये आकृति राइट टू लेफ्ट मूव करती हुई नजर आ रही है। अब अगर वो कमरा बिल्कुल खाली था तो ये रहस्यमय परछाई आखिर शीशे में कैसे नजर आई, इसका तो शायद हमें कभी पता ना चले। तो दोस्तों, अब वक्त है आज की बोनस क्लिप का, जिसमें दो लोग जब एक कथित हॉन्टेड अपार्टमेंट फ्लोर को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे तो सीढ़ियों से उतरते सार ही उनका सामना इस चीज से हो जाता है। एक बॉडी जमीन पर पड़ी हुई दिखाई देती है, लेकिन दोनों के नीचे पहुंचते ही वो जो कोई भी था वहां से गायब हो चुका था। वीडियो खत्म करने से पहले मैं हमारे डायमंड फैम मेंबर्स एबिस गेमिंग वर्ल्ड, फैशन हॉल 93 और रेहान अहमद का शुक्रिया अदा करता हूँ। तो अब फिर जल्द ही मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ।